हे दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टॉक मार्केट इंडिया। आप अगर चैनल पर नया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर द जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, और आपका कोई क्वेरीज है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज 17 मार्च 2022 मार्केट के अंदर आज काफ़ी शानदार रिकवरी देखने को मिला। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आईटी सेक्टर के ऊपर पूरा का पूरा, जिसके ऊपर आज की डेट पे कुछ टाइम पहले दोस्तों एक धमाकेदार शानदार न्यूज़ आया है, जिसका इम्पैक्ट हमें जब मंडे बाजार ओपन होगा तब डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, आपको तो अच्छे से खासा मालूम होगा कि अभी मार्च का महीना चल रहा है, तो मार्च का महीना ऑलरेडी आधा हो गया। जैसे ही मार्च का महीना खत्म होगा, अप्रैल के महीने से दोस्तों क्वार्टरली रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि हमारे यहाँ पे सबसे पहले रिजल्ट आउट होता है आईटी सेक्टर का, तो उसके ऊपर ही दोस्तों एक बहुत ही शानदार अपडेट आया है। तो दोस्तों लीजिए, इनसे मिलिए, यह है एसेंशियर। एसेंशियर दोस्तों बेसिकली एक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज या अमेरिका के अंदर लिस्टेड एक कंपनी है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आईटी सेक्टर का कंपनी है। तो अब आपके दिमाग में सवाल आ गया कि ये कंपनी को आप मैं यहाँ पे क्यों दिखा रहा हूँ। तो बेसिकली दोस्तों, एसेंशियर का रिजल्ट आज की डेट में आउट हो चुका है, तो ये तो बड़ी बात नहीं है दोस्तों, हर एक कंपनी का रिजल्ट आउट होता है। तो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ शॉर्ट में कि इसमें फ़ायदा क्या होगा। देखिए, एसेंशियर बोलिए या दुनिया का कोई भी कंपनी उठा लीजिए आईटी सेक्टर का, सारे आईटी सेक्टर कंपनी का मार्केट बेसिकली सेम है, मतलब यूएसए और उसके साथ साथ यूरोप। तो बेसिकली अगर हम बात करें टीसीएस का, चाहे इन्फोसिस का, चाहे विप्रो का, आप देख लीजिए, जब क्वार्टरली रिजल्ट मैं रिव्यू करता हूँ तब मैं आपको दिखाता हूँ कि सेगमेंट वाइज कहाँ से कितना रेवेन्यू आए। वहाँ पे आप देखना, जो मेन रेवेन्यू सोर्स होता है कोई भी आईटी सेक्टर का, वो होता है यूएसए एंड यूरोपियन कॉन्टिनेंट से, जो अलग अलग कंट्रीज है। तो बेसिकली एसेंशियर का आज की डेट पे रिजल्ट आउट हुआ है, और रिजल्ट आउट होने के बाद दोस्तों धमाकेदार कंपनी का परफॉर्मेंस रहा। तो इसके ऊपर बेस करके जो एक्सपर्ट यहाँ पे एक्सपेक्ट किया है कि भारतीय जो कंपनीज है, यानी TCS बोलिए, इन्फोसिस बोलिए, विप्रो बोलिए, HCL बोलिए, चाहे आप छोटे से छोटा कंपनी या बड़ा कंपनी, टोटल मार्केट है बाहर, मतलब इंडिया के बाहर, इंडिया से भी रेवेन्यू आता है बट इंडिया से बाहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। तो बेसिकली अभी US मार्केट ओपन हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो आज काफ़ी गैप अप ओपनिंग देखने को मिला एसेंशियर की शेयर की प्राइस के अंदर, करीबन 325 USD के अकॉर्डिंग चल रहा है, बट उसके बाद हमें लगातार गिरावट देखने को मिला। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि कंपनी का रिजल्ट इस बार कैसा आया है। जैसे कि कंपनी का टोटल रेवेन्यू आया है लगभग $15 बिलियन का, जो कि अगर हम बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ऑलमोस्ट 24% की इंक्रीज हमें देखने को मिला, और लोकल करेंसी वाइज लगभग 28% की हमें इंक्रीज देखने को मिला। साथ साथ कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर आया है लगभग $2.54, जो कि 14% के आसपास हमें जम देखने को मिला ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों, कंपनी का जो टोटल इनकम इंक्रीज हुआ है 25%, लगभग $2.06 बिलियन का कंपनी का टोटल इनकम यहाँ पे आया है, और 25% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। और उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी का जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो लगभग 13.7% के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिला। उसके साथ साथ दोस्तों कंपनी ने यहाँ पे जो कि कैश डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया, यहाँ पे आप देख सकते हो लगभग 0.97 पर शेयर, मतलब यहाँ पे डॉलर पर शेयर के अकॉर्डिंग यहाँ पे टोटल डिविडेंड का डिक्लेरेशन किया, जो कि अगर हम बात करें लास्ट ईयर जितना किया था उससे लगभग 10% ज़्यादा यहाँ पे डिविडेंड कंपनी यहाँ पे कर रहा है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें, कंपनी का इस क्वार्टर का परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार रहा, और आप होपफुली समझ गए होंगे कि मैं क्यों यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस कंपनी का रिजल्ट इतना शानदार आया। तो इसके अनुसार दोस्तों इंडियन जो कंपनीज है, TCS बोलिए, इन्फोसिस बोलिए, विप्रो बोलिए, ये सारे कंपनीज का भी रिजल्ट अच्छा आने का सबसे ज़्यादा चांस है, क्योंकि मेन जो मार्केट है वो सेम है, मतलब ये सारे जितने भी आईटी सेक्टर कंपनी है वो मेन रेवेन्यू जनरेट होता है या तो अमेरिका, कनाडा और उसके साथ साथ यूरोपियन कॉन्टिनेंट से। तो बेसिकली जिसके कारण दोस्तों यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने भी यहाँ पे जो एस्टिमेट दिया है कि इस बार TCS बोलिए, इन्फोसिस बोलिए, विप्रो बोलिए, इसके अंदर भी काफ़ी शानदार आपको तेज़ी देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ पे रिजल्ट के अनुसार। तो बेसिकली आपको यहाँ पे मैं तीन शेयर यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, TCS, इन्फोसिस एंड विप्रो, बट ओवरऑल अगर मैं आपको नज़र रखने की सलाह दूंगा, पूरा का पूरा आईटी सेक्टर यहाँ पे आप देख सकते हो, निफ्टी आईटी में जितने भी सारे कंपनीज हैं इसके ऊपर नज़र रखना कि डेफिनेटली यहाँ पे अपकमिंग ट्रेडिंग वीक पे इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जैसे कि LTI आज के डेट में काफ़ी पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, लगभग 1.5 से 2% ऊपर। Mindtree के अंदर अगर हम बात करें आज के डेट पर काफ़ी तेज़ी था, साथ साथ Cofork, विप्रो तो है ही, जो कि इंडिया का टॉप 4 आईटी सेक्टर कंपनी में से आता है, TCS इंडिया का लार्जेस्ट कंपनी, एम्फासिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया जो कि 5th लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया का, LTTS लैर्सन टुब्रो टेक्नोलॉजी, HCL टेक एंड इन्फोसिस। तो ये पूरा का पूरा आईटी सेक्टर, मतलब निफ्टी आईटी के अंदर नज़र जरूर रखना, मंडे के दिन बहुत ही धमाका आपको देखने को मिल सकता है। अब हम दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक करके इंडिविजुअली कि जैसे कि TCS बोलिए, इन्फोसिस बोलिए, विप्रो बोलिए, इसके अंदर आपका रणनीति क्या हो सकता है आगे का। इसके पहले भी मैं आपको एक दो बार एक्सप्लेन किया था, याद होगा आपको, कि जब जब कंपनीज का ये सारी कंपनीज का
क्वार्टरली रिजल्ट आउट होता है ठीक उसके पहले लगभग 3 हफ्ते से 1 महीने पहले से इसके अंदर हमें मोमेंटम देखना स्टार्ट होता है। ये सारे कंपनीज के अंदर सेम चीज़ होता है। आप थोड़ा सा देख लीजिए, अगर हम TCS की बात करें तो यहाँ पे आप देखिए ये सेम कॉमन चीज़ आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि लास्ट ईयर पे याद होगा आपको अप्रैल के महीने पे जब कंपनी का रिजल्ट आउट हुआ था यानी मार्च क्वार्टर का रिजल्ट, उसके पहले देखिए कंपनी का शेयर के अंदर लगातार तेजी। बट हाँ, साथ साथ आपको ये भी दिमाग में होना चाहिए कि जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट आउट होता है उसके बाद आपको करेक्शन भी देखने को मिलता है ठीक। उसके नेक्स्ट बात देखें, जब कंपनी का जून क्वार्टर का रिजल्ट आउट हुआ तो देखिए जुलाई के महीने पर फिर से वही टॉप पिक हमें देखने को मिला जून के एंड तक, एंड उसके बाद देखिए शेयर के अंदर गिरावट। और ये जब जब तेज़ी आता है तब जब देखिए इसका जो प्रीवियस हाई होता है देखिए इसको क्रॉस करके निकल जाता है, तो ये चीज़ भी आपको दिमाग में होना चाहिए। जैसे कि लास्ट अगर हम बात करें अक्टूबर की महीना पे सितंबर क्वार्टर का रिजल्ट आउट हुआ था, उसके पहले देखिए ये तेज़ी आपको देखने को मिला लास्ट एक महीने से ठीक है। तो देखिए फिर से एक नया हाई बनाया, उसके बाद देखिए जब यहाँ पे रिजल्ट आउट हो गया फिर से गिरावट हुआ, एंड जब दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आउट हुआ जनवरी के महीने पे तब भी देखिए शेयर के अंदर लगातार तेज़ी, एंड उसके बाद देखिए क्या हुआ करेक्शन हुआ, एंड उसके बाद तो वॉर स्टार्ट हुआ तो डेफिनेटली हमें मार्केट के अंदर और भी गिरावट देखने को मिला। तो ये सेम टू सेम चीज़ आपको हर एक शेयर में देखने को मिला, इन्फोसिस के केस में भी सेम है। तो साथ साथ आपको ये भी ध्यान में होना चाहिए कि दोस्तों कि जैसे ही कंपनी का रिजल्ट आउट हो जाता है ठीक उसके नेक्स्ट मतलब उसके ठीक बाद ही आपको शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिलता है। तो ये दिमाग में आपके जरूर होना चाहिए, ये नहीं कि आँख बंद करके इन्वेस्ट किया बस उसके बाद में जब शेयर के अंदर गिरावट दिया तब यहाँ पे आपने सोचो कि अरे काश बाद में निवेश करते तो सही रहता। तो यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स आपको बता देता हूँ। जैसे कि इन्फोसिस के अंदर अगर हम बात करें, लास्ट डे भी इसके ऊपर मैं वीडियो बनाया था याद होगा आपको कि इन्फोसिस शेयर के अंदर जो आपका बाइंग लेवल रहेगा नीचे की तरफ अगर शेयर गिरता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 1800 से लेकर 1850 के बीच में इन्वेस्ट कर सकते हो। ऊपर की तरफ अगर इन्फोसिस का शेयर 1900 रुपये की ऊपर स्टेबल हो गया, जैसे कि लास्ट टाइम आपको बताया कि स्टेबल नहीं था, स्टेबल मतलब शेयर यहाँ पे 1900 में बार बार टच कर रहा है फिर नीचे आ रहा है, ये अनस्टेबल है। स्टेबल मतलब 1900 के ऊपर सॉलिड सपोर्ट मिल रहा है, काफ़ी दिनों से वहाँ पे उसके नीचे नहीं आ रहा है एंड 1900 के ऊपर शेयर स्टेबल हो रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप 1900 के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। और नीचे की तरफ अगर आपको 1800 से लेकर 1850 के आसपास मिल गया तो नीचे की तरफ ये लेवल है बाइंग का। नेक्स्ट अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे विप्रो का भी सेम टू सेम चीज़ आपको नजर आएगा। एक साल का चार्ट पैटर्न देख लीजिए, वही जब रिजल्ट आउट होता है उसके पहले तेजी, उसके बाद गिरावट हमें देखने को मिलता है। बट फिलहाल अगर हम बात करें विप्रो की केस में आज की डेट पे एक अच्छी बात यह कि काफ़ी दिनों बाद विप्रो का शेयर आज 600 रुपये के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, क्योंकि इसके पहले हम देख सकते हो जब शेयर के अंदर गिरावट हुआ था बीच बीच में कोशिश किया था 600 रुपये के ऊपर जाने के लिए बट वो नाकाम रहा। इवन लास्ट टाइम भी हमने देखा था 14 मार्च को भी देखिए ऑलमोस्ट 600 क्रॉस करने ही वाला था ठीक है, उसके नेक्स्ट डे इसके अंदर हमें फिर से गिरावट देखने को मिला। फाइनली आज की डेट पे काफ़ी दिनों बाद 600 रुपये का जो रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके थोड़ा ऊपर आया। अब विप्रो के अंदर क्या आपका बाइंग लेवल रहेगा थोड़ा समझ लीजिए। विप्रो के अंदर जो लोअर साइड में हमने देखा कि जब वॉर स्टार्ट हुआ था तब विप्रो का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला था 540 से 550, तो इस लेवल पर अगर फर्दर गिरावट होता है जिसका चांस अभी नहीं है, अगर गिरावट होता है तो यहाँ पे आप बाई करना। और दूसरी बात विप्रो ऊपर की तरफ अगर 600 के ऊपर स्टेबल हो गया, जैसे कि आज के डेट में बस क्रॉस किया मतलब ये नहीं कि वो स्टेबल हो गया, दो दिन यहाँ पे आप वेट कीजिए, थोड़ा मॉनिटर कीजिए, अगर 600 रुपये के ऊपर स्टेबल हो गया तो डेफिनेटली यहाँ पे आप बाई कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें TCS ऑलरेडी बाई बैक की पीरियड में चल रहा है, तो TCS के लिए मैं एक ही बात बोलूँगा, ये काफ़ी लंबे समय से यही स्टेज में चल रहा है, तो इसे आप ओपन मार्केट मतलब जो भी आपको प्राइस मिल जाए ओपन मार्केट में यहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली दोस्तों मंडे के अंदर देखते हैं कि IT सेक्टर पर कैसा हमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो वीडियो का भी वाइंड अप करता हूं, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।